fact, the Rajya Sabha proceedings that were ongoing during the winter session of the parliament, the much-awaited Mahakumbh in Prayagraj is fast approaching. The event, which takes place every 12 years, will, in fact, on January 13th, will be held on 13th and conclude on February 26th next year. It will commence on Posh Purnima and end on Mahashivratri. This spiritual gathering is expected to promote Indian cultural traditions on a global scale to ensure a safe and memorable experience for the devotees. The Uttar Pradesh police has implemented stringent measures. Officers will serve as servants of faith to facilitate a smooth follow of the festivals. NewsX is live on the ground covering the preparations for this magnificent occasion. Joining us now from Prayagraj is my colleague Arzu Seth with more details. कुंभ की शुरुआत को अब कुछ ही दिन रह गए और महाकुंभ 2025 की तैयारी प्रयागराज में पूरी धूमधाम से देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि सनातन धर्म में जो अखाड़ा है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है और अब प्रयागराज में अखाड़ों के आने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धूमधाम से अखाड़ा जो है, ये अटल अखाड़ा है, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, इन्होंने प्रवेश जो है वो प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज में कर लिया है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पीले वस्त्र पहनकर और हाथों में ध्वज लेकर पीला वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी विश्वनंद सरस्वती जी महाराज जो है वो आप तस्वीरों में भी उनको देख रहे हैं। स्वामी जी यहाँ पर आचार्य जी बैठे हुए हैं, तमाम आचार्य गुरु हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और महाकुंभ 2025 का साक्षी जो है वो यहाँ पर बनने के लिए पहुंच रहे हैं। और अखाड़ों की बात करें तो बहुत बड़ा रोल जो है वो महाकुंभ में अखाड़ों का रहता है। स्नान से लेकर हर कोई रिचुअल्स जो है वो करते हैं। हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे स्वामी जी से, आखिर किस तरीके से पूरी तैयारी जो है वो कुंभ की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ प्रयागराज में एंट्री जो है वो ली गई है। स्वामी जी से भी बात करेंगे। आचार्य जी, प्रयागराज में स्वागत आपका हो गया है, धूमधाम से पहुंचे हैं, महाकुंभ 2025 की कैसी तैयारियां हैं? महाकुंभ की तैयारियां योगी राज जी के शासन में अर्ध कुंभ में भी बहुत अच्छी रही और इस बार तो पूरे वर्ल्ड का ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस अमृत स्नान का लाभ सभी आकर के लें और इस बार तो बहुत दिव्य भव्य महाकुंभ हो रहा है। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे अटल अखाड़े की अगर बात करें तो काफी इसको याद किया जाता है, जिस तरीके से मुगलों से लड़ाई की, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई की बात हो, हमेशा याद किया जाता है। इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी थोड़ा बताइए, अटल अखाड़े के बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा स्वामी जी। देखो, अटल अखाड़ा सबसे पहला अखाड़ा है। सबसे पहले जो अटल अखाड़ा हुआ उसके बाद में अखाड़े जो है आगे निकले हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा महान माना जाता था, सबसे पहला अखाड़ा है। आज हम आचार्य अटल अखाड़े के यहाँ नगर प्रवेश किए हैं और बहुत अच्छे से कुंभ होगा, बहुत अच्छे से कुंभ होगा। बात करें तो पहले भी कुंभ जो है उनमें आपने हिस्सा लिया है, इस बार का कुंभ कैसे अलग होने वाला है और कुंभ से? हाँ जी, हर बार आप लोग कुंभ में हिस्सा लेते हैं, इस बार का महाकुंभ किस तरीके से अलग होने वाला है? नहीं नहीं, ये तो बड़ा दिव्य रहेगा, सब कुंभों से अलग नारा रहेगा। ये पूरे विदेशियों को, देशवासियों को समझना चाहिए, इस कुंभ में अवश्य आकर के अमृत पान करें। बहुत अलग से ये कुंभ होगा, बड़ा दिव्य होगा। आज तक ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ होगा, यह हमारा पहले से अनुमान है। आचार्य जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, कहां कहां से साधु संत जो है वो अटल अखाड़ा के प्रयागराज पहुंच रहे हैं? देखो, पूरे देश से, अभी हम लोग जम्मू कश्मीर से आए हैं, बहुत से महात्मा हिमाचल से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, केरला से भी आए हैं, तो सब जगह के महात्मा हमारे साथ पीछे आए हैं।
बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से सभी साधु संत जो हैं वो यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरीके से जो धर्म है उसको किस तरीके से खूबसूरती के साथ जश्न के साथ मनाते हुए लोग जो हैं वो प्रयागराज में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में भव्य हैं और सुंदर नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से जो पूरी सवारी है वो निकाली जा रही है और सभी बच्चे और खास तौर पर तो उनको बड़ा क्रेज रहता है। और देखिए किस तरीके से पूरी सवारी जो है वो निकाली जा रही है और प्रवेश जो है वो संगम नगरी में किया जा रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो महाकुंभ को हर किसी को इंतजार रहता है और जब 12 साल बाद महाकुंभ आ रहा है तो हर किसी में इसको देखने का एक उत्साह जो है वो भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स प्रयागराज। आचार्य जी इज हियर, वी ऑल्सो टॉक टू हिम अबाउट द सेलिब्रेशन दैट इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस इन प्रयागराज। आचार्य जी कैसा लग रहा है, महाकुंभ की शुरुआत है, कितना ग्रैंड होने वाला है इस बार का महाकुंभ? बहुत अच्छा है, इस बार करोड़ 20 करोड़ तक अनुमान है कि 20 करोड़ तक गैदरिंग होगी, क्योंकि इस बार फॉरेन में भी बहुत जो है कुंभ को देखने के लिए लोगों को उत्साह है। 20 करोड़ तक अनुमान है, होगा भी इतना होगा। आचार्य जी अगर बात करें अटल अखाड़ा की तो माना जाता है कि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो ब्रिटिशर्स से लड़ाई हो, मुगल से लड़ाई हो, किस तरीके से देखते हैं? अगर अटल अखाड़ा ने ही लड़ाई करके अटल अखाड़े के नागांव ने अंग्रेजों के साथ भी और काशी विश्वनाथ को भी एक बार जो है युद्ध करके सबको हरा करके उसको बचाया था, और अंग्रेजों के साथ भी नागांव ने कड़ा मुकाबला करके उनको जो है अखाड़े पर आंच नहीं आने दी थी, सनातन धर्म को जागृत रखा था। बड़ी भारी धमकियां होने पर भी अटल अखाड़े के नागांव ने मार काट से सबको परास्त किया था। जी अगर बात करें तो इस बार का महाकुंभ और महाकुंभ से कैसे अलग होने वाला है? ये बहुत दिव्य है, बड़ा अलग से कुंभ होगा। सारे देशवासी, सारे विदेशवासी इस कुंभ का नजारा लेंगे और याद रखेंगे। ऐतिहासिक कुंभ होगा, ये एक ऐतिहासिक कुंभ। सो दिस कुंभ 2025, द महाकुंभ इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक, दिस इज व्हाट आचार्य जी इज गोइंग टू से। एंड आल्सो देयर हैज बीन एग्जेम्पशन दैट मोर देन 20 करोड़ पीपल आर गोइंग टू अटेंड दिस महाकुंभ। एंड आल्सो यू कैन सी ऑल अराउंड दिस संत एंड साधुस आर रीचिंग द प्रयागराज। स्वामी जी कितना उत्साह है महाकुंभ को? सभी को ओम नमो नारायण। ये कुंभ मेले के लिए बहुत ही उत्साह है सारे देश के अंदर, और गुरु महाराज की कृपा से ये हमारे अटल पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 विश्वात्मानंद सरस्वती जी का आज आगमन हुआ, उस उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है नगर में महाराज जी का आगमन हुआ कुंभ मेले के लिए, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया कुंभ मेला होगा और लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। अखाड़े की बात करें तो इसको किस तरीके से बयां करेंगे, अटल अखाड़े का योगदान? अटल अखाड़ा जो है आदि अदानी से बहुत ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के हाथों से है, लेकिन कुछ बीच में घटना हो गई थी जिससे हमारी संख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर गुरु गजानंद की कृपा से आज हम अपने उस पे पहुंचे हैं और हमारे आचार्य जी के सानिध्य में जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया और आगे भी अच्छा होगा। हमारे महंत जी जो हैं श्रीमान सत्यम गिरी जी, बलराम भारती जी, श्रीमान पवन गिरी जी महाराज, इनके सानिध्य में जो हमारा काम हो रहा है हमारे अखाड़े का बहुत ही अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा, यही उम्मीद है, और कुंभ मेला भी बहुत ही बढ़िया होगा। ओम नमो नारायण। बिल्कुल, सो एवरीवन होपिंग दैट दिस महाकुंभ इज गोइंग टू बी वेरी ग्रैंड एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द एंथुसियाज्म एवरीवन हियर एट द प्रयागराज राइट नाउ सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट बिकॉज जस्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द महाकुंभ। एंड ऑल्सो यू कैन सी द हॉर्सेस हैव बीन डेकोरेटेड, द एंटायर प्रोसेशन हैज बीन डेकोरेटेड वेरी नाइसली विद फ्लावर्स ऑफ ब्यूटिफुल डिफरेंट कलर्स, एंड यू कैन सी ऑल्सो अ लॉट ऑफ
our dresses to celebrate this, and now we can talk, we see the akhadas are entering in the Prayagraj, so this can be understand that now the Mahakumbh celebration have begun, and now the Atal Akhada have reached the Prayagraj, and one by one all the akhadas are now reaching the Prayagraj, and they play a very crucial role in the Mahakumbh. Ma'am, kahan se aayi hain aap? From where do you come? Italy se. How are you feeling right now being in the Prayagraj this Sangam? Ye to bahut acche bariya hai. Haan, bahut excited are you for the Mahakumbh 2025? Ab to kabhi nahi gaya kumbh, to ye saal hum sochte to jana padega. This is the first time you have. Haan. This is the first time. 30 saal ke baad. साल के बाद हम तो आते जाते हैं, तो ये पहली बार है. अच्छा। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है, क्या कुछ देखने के लिए उत्साहित है? तो सबको मिलना, देखना कैसे है ये महाकुंभ, ये तो बहुत अच्छा है. के बारे में सुना होगा आपने पहले भी, महाकुंभ के बारे में? हाँ बहुत सुना, देखता भी टीवी भी देखता, बट कभी नहीं आया, इसलिए तो एक बार दर्शन होना चाहिए. कैसे यहाँ पर हर कोई, एवरीवन इज डांसिंग सेलिब्रेटिंग, दैट एंथुसियाज्म यू कैन सी. बहुत अच्छा है, यू फील एवरीवन इज फीलिंग एंथुसियाज्म, एंड यू कैन सी द स्माइल, यू कैन सी द हैप्पीनेस इन द फेसेस ऑफ साधु एंड संत्स, एंड एवरीवन hoping that this is going to be one of the biggest Mahakumbh and will be breaking all the records this time. I'm Arzu Seth with video journalist Himanshu for NewsX in Prayagraj. The preparations begin for the Mahakumbh in Prayagraj. Right now I'm in the Sangam city, and also would like to tell you that the prominent akhada have started reaching the city. Right now you can see the visuals of the celebration taking right place. Right now Atal Akhada, founded in the 6th century along with the Avahan and Anand Akhada, is said to be among the first akhadas founded by the Adi Shankaracharya, and you can see they have entered this Prayagraj with full celebration, and also they have made an official entry into the city with the full pomp and show. Here you can see Acharya sitting here, and also the children and the elderly, everyone participating in this and being the part of this entire celebration. They are holding the yellow flag and also wearing the traditional clothes. We'd like to show you the visuals. Amid the high security, now the procession is being carried out in the Prayagraj. If we talk about, you can see Swami Vishwatmanand Swami Ji Maharaj sitting in front, and also followed by other Swami sons. They are taking out the procession, and this is the pratha that the sant and sadhu do before the Mahakumbh, and you can see these visuals in itself. These are the visuals, the traditional things they are celebrating in a traditional way. As you can see the visuals, they are carrying their things in their hands. Ye kya baja rahe hain aap? Ye nagphani hai. Ye Shiv ji ka gala mein rehta hai, ye nag jagah nahi hai, nagphani. ये जब शिव जी चलते थे तो नागपानी नाग लोग में दिखाई. यू कैन सी इन डिफरेंट वेज दे आर सेलिब्रेटिंग दिस महाकुंभ 2025. ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम बैक. आवर फोकस रिमेन्स ऑन